नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं मयूरभंज रोड में और यहाँ पर सुबह के करीब एक रोड एक्सीडेंट हो गया है मोरभंज लॉयला क्रॉसिंग के पास। आप जैसे कि मेरे पीछे देख सकते हैं, एक ऑयल टैंकर जो है वो उलट जाने की वजह से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। अब हम आपको दिखाते हैं, इस वक्त पुलिस की टीम मौजूद है और वो ऑयल टैंकर को उठाने की कोशिश कर रही है। टैंकर का गाड़ी नंबर है नागालैंड NL01100224। और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्थानीय लोगों का कहना है कि 3 लोगों की मौत हो चुकी है। अब देखिए, पूरी तरीके से तेल जो है वो भस रहा है ऑयल टैंकर का, और टीम जो है पुलिस की टीम इस वक्त ऑयल टैंकर को उठाने की कोशिश कर रही है इस जगह से, स्पॉट से। पूरी टीम मौजूद है, पुलिस की पूरी टीम मौजूद है। कितने लोगों की मौत हो चुकी है सर, जैसे कि ये मेरे को पता चला है कि यहाँ पे 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 3 बाइक सवार जा रहे थे और जिसके ऊपर में ये टैंकर गाड़ी ये पलटी मार दिया, वो 3ों बाइक सवार थे। बताया जा रहा है स्थानीय लोग हैं। जी हाँ, स्थानीय लोग हैं, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है कि हाँ उनका एड्रेस क्या है। बॉडी तो पहचान में नहीं आ रहा। जी नहीं, बॉडी बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा है उनका। भेजा वहाँ पूरा पीछे वाले जो ये टैंकर के जो चक्के हैं उसके पीछे में उनका भेजा पूरा एकदम पूरा बिखरा हुआ है। अभी भी आप जाके देख सकते हैं वहाँ पर। हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, कि मामला क्या है पूरा इस तरफ में। दूसरे एंगल से भी दिखाएंगे आपको हम। ये इस वक्त ये जो वाकया पेश आया है मयूरभंज रोड क्रॉसिंग है, आप ये जैसे देख सकते हैं लेफ्ट साइड वाला रोड इकबालपुर की तरफ जा रहा है और ये राइट साइड वाली रोड मोमिनपुर की तरफ जा रही है, और ये है स्पॉट पर हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। आप देख सकते हैं टैंकर जो है ऑयल टैंकर उलट जाने की वजह से ये हादसा हुआ है सुबह के वक्त में। ये काफ़ी भयभीत, काफ़ी डरावना सिचुएशन इस वक्त दिख रहा है, क्योंकि जो मामला पेश आया है बहुत ही डेंजरस है। पुलिस द्वारा टैंकर को हटाने की कोशिश। आपको बता दूं, यह हादसा मयूरभंज लॉयला स्कूल क्रॉसिंग के पास में हुआ है सुबह के वक्त, करीब करीब आधा 45 मिनट पहले ही हुआ है यह हादसा। काफ़ी दुखद और दर्दनाक घटना इस वक्त आप देख सकते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि 3 लोगों की मौत हो चुकी है इस घटना में। 3 लोग टैंकर के नीचे आ गए हैं और स्पॉट में ही 3ों की मौत हो चुकी है। फर्दर अपडेट्स हम आपको जानकारी आपको देने की कोशिश करते हैं थोड़ी देर में, पूरा मामला क्या है। सुबह 5:30 बजे के करीब में हुआ था। क्या हुआ था बेचारा? पलटी खाई है, पलटी का गाड़ी पलटी खाई है, पलटी खाई। लड़का तो ज्यादा चम गया,
पलटी खाई है। हम लोग चार नंबर में रहते हैं, चार नंबर में तीन लड़का था, तीन गाड़ी था, तीन लड़का था, और लोकल लड़का पता नहीं क्या है, गाड़ी पलटी खाई है। हम लोग इमाम साहब भी बोला पलटी खाई है, मर गया छोटी में था लड़का लोग। हम लोग चाय पी रहे थे, उसने सुना गाड़ी पलटी खाई है। हम लोग को मालूम नहीं जो कौन लड़का कहाँ का है, क्या मालूम है, लोकल लड़का है, लोकल लड़का पारा का है, तेरह नंबर है, चुनागली का है या मोहनपुर का है, इतना जाने। अब कहाँ का लड़का हम लोग को नहीं मालूम, फिर हम लोग का देखा हुआ है गाड़ी पलटी खाई है। वो लोग ऐसा बॉडी बॉडी जो था बॉडी पूरा शिफ्ट हो गया था। नहीं नहीं मालूम, हम लोग नहीं देखा, नहीं देखा, नहीं देखा। তিনটে ছেলে ছিল স্পট, এই গাড়িটা সোজা যাচ্ছিলো, ওরা এই দিক থেকে বেরোচ্ছিল, তো ইমার্জেন্সি কেসটা হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ এসে তিনটে বডিকে তুলে নিয়েছে, হয়ে তিনজনা স্পট হয়ে গেছে, স্পট হয়ে গেছে। এখন এখন গাড়িটা তোলার এখন ব্যবস্থা করা হচ্ছে। तो आप जैसे कि देख सकते हैं स्थानीय लोगों का जो कहना है कि सुबह 5:30 बजे के करीब ये घटना हुआ है। ऑयल टैंकर जो है वो पलट जाने की वजह से उसके नीचे तीन लोगों की दबकर मौत हो गई है। और आप हमारे सामने आप देख सकते हैं, सामने साइड ये थोड़ा, आप हमारे सामने आप देख सकते हैं इस वक्त ऑयल टैंकर को उठाने की कोशिश कर रही है पुलिस की टीम। बाप रे बाप, ऑयल टैंकर के नीचे आने की वजह से तीन लोगों की कुचले जाने की वजह से मौत हो गई है। तीन लोगों की स्पॉट पर ही आप देख सकते हैं कि बहुत ही खतरनाक वाकया यहां पर देखने को मिल रहा है। आप हमारे साथ बने रहे फर्दर अपडेट्स के लिए, जैसे ही अपडेट्स मिलती है हमें, हम आपको पूरी जानकारी पूरी सूचना आपको आप तक पहुंचाते हैं। आप बने रहे द लोकल जर्नलिस्ट के साथ, मैं मोहम्मद इकबाल हबीब, कोलकाता खिदरपुर मयूरभंज क्रॉसिंग से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।